Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 11th of June 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि जो है एरीज कार्ड्स आपके लिए आए हैं। फोर ऑफ एरियल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज का दिन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपके लिए लेकर के आ रहा है, सिक्योरिटी आपके लिए लेकर के आ रहा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपके जो बॉस हैं कोई भी जिनको आप रिपोर्ट करते होंगे उनके तरफ से भी आज आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफर हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं वो शेयर ऑफर्स करते हैं, काफ़ी सारे लोग बोनस ऑफर करते हैं, तो कोई ना कोई पैसे को लेकर के गुड न्यूज़ जो है आज आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये गुड न्यूज़ घर को लेकर के भी हो सकती है। कोई इंसान आपके लिए घर खरीदना चाहता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको घर खरीद के गिफ्ट करते, तो सम हाउ दैट पर्सन इज मेकिंग यू सिक्योर, तो वैसी कोई खुशखबरी जो है आज आपको यहाँ पर मिल सकती है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है येलो। नंबर्स की बात करते हैं, नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस कार्ड्स आपके लिए आए हैं, किंग ऑफ माइकल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपकी जो पढ़ाई लिखाई थी ना, जैसे आज वो पूरे तरीके से काम आने वाली है। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको इतना अमेजिंगली सर्व कर सकती है कि उसकी वजह से आज आप बहुत अमेजिंगली किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, जो कि आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देगी। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट नाउ, यानी कि सोच समझ के जो है हमें सारे कार्य करने हैं, और खाली किताबी नॉलेज सब कुछ नहीं होती। एक कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज़ है, विजडम बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ध्यान में रख करके ही आज आपको डिसीजंस लेने हैं, खास करके मॉनेटरी डिसीजंस, काम को लेकर के कोई भी डिसीजन। ठीक है, कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है ब्लू। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का साया है पीस एंड फोर ऑफ वंड्स। ब्यूटिफुल एनर्जी है, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे शांति के साथ, है ना। कई बार हम बोलते हैं कि डू नॉट मेक अ नॉइस बाय योर सेल्फ, लेट योर सक्सेस स्पीक्स फॉर यू। तो यहाँ पर आज आपके लिए वो कहावत बिल्कुल जो है बिल्कुल सही साबित होती है कि आप जो है बिल्कुल शांति बनाए हुए हो, आपने चुप्पी धारण कर रखी है, लेकिन आपकी जो सक्सेस है ना वो आपके बारे में बात कर रही है। अगर आप अपना घर चेंज करना चाहते थे उसके लिए दिन बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप ऑलरेडी अपना नया घर खरीद चुके हैं और इट्स नॉट नेसेसरी अगर आप रेंटेड प्लेस पे भी थे तो भी आप जो है यहाँ पे घर मुझे स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी नए घर में गृह प्रवेश जो है आज के दिन आप कर सकते हैं। कलर आपके लिए लकी रहेगा पर्पल। नंबर्स की बात करें तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि कार्ड्स आपके लिए आए हैं 9 of Raphael एंड द वर्ल्ड। आप बहुत ही ज़्यादा आज खुश नज़र आ रहे, तो आज का दिन मैं बोल सकती हूँ सुपर डुपर जो है लकी भी है, हैप्पी वाला भी दिन है आपके लिए, खुशियाँ में लेकर के आ रहा है। मेक अ विश एंड इट विल बिकम योर रियलिटी। मतलब अगर आज के दिन आप कुछ भी भगवान से मांगोगे ना, हम बोलते हैं ना कई बार कि अरे यार कुछ और ही बोल दिया होता है तो सच हो गया, तो वैसी सिचुएशन आज के दिन आपके लिए दिखाई देती है। जो चाहोगे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। कोई भी विश करी होगी आपने पहले या आज भी कोई विश करोगे तो आपकी जो विश है वो इंस्टेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे भगवान ने आपके हाथ में ना जादुई चिराग दे दिया हो आज, और जब चिराग आपके पास है तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। वैसी एनर्जी आपके लिए दिखाई देती है। वर्ल्ड का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आज का दिन आपका कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल जरूर प्लान हो सकता है, उसको लेकर के नींव रखी जा सकती है। कलर आपके लिए लकी रहेगा वो है ग्रीन। नंबर्स की बात करते हैं, नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा। यानी कि सिंह राशि कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ गैब्रियल एंड टू ऑफ वंड्स। काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हो, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, काम को लेकर के ट्रैवल भी आज आप कर सकते हो। अपने किसी ना किसी ऐसे इंसान से मुलाकात आज आपकी हो सकती है जो आपको काम को लेकर के कोई नई अपॉर्चुनिटी जरूर ऑफर करेगा, जिसको आपको कंसिडर भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी पॉजिटिव एंड आपको काफी सक्सेसफुल जो है आने वाले समय में बना सकती है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है रस्टी ऑरेंज। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि कार्ड्स आए हैं 4 of Raphael एंड द सन। जहाँ पर आपको लग रहा था अंदर ही अंदर, कई बार हमारे पास सब कुछ ठीक होते हुए भी एक ऐसा आभास रहता है कि किसी चीज़ की कुछ तो कमी है, वैसी ही फीलिंग आज आपको हो सकती है। आपको नॉस्टैल्जिया फीलिंग हो सकता है, आप पुरानी बातों को याद करके, किसी को याद करके काफ़ी थोड़ा सा सैड हो सकते हो, थोड़ा सा नंब फील कर सकते हो। बट सन का कार्ड आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि लाइफ में जो है नई रोशनी आने वाली है आज आपके, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आपका फेम बढ़ने वाला है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपको कोई अवार्ड भी यहाँ पर मिल सकता है। और अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है और आज डिलीवरी होने वाली है, चांसेस आर सुपर हाई कि आपको जो है बेटा जो है आपके घर के अंदर आ सकता है।
कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है येलो। नंबर्स की मैं बात करती हूँ, नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली राशि जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि। कार्ड्स आए हैं द मून एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनबन हो सकती है, बहस हो सकती है, और कई बार क्या होता है कि हम तीसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के इन रियल में अपने रिश्तों को बहुत ख़राब कर लेते हैं। तो वैसी एनर्जीज यहाँ पे आपके साथ दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस यही है कि तीसरे की बातों में मत आइए, खुद अपनी अकल भी लगाइए और अपने पार्टनर पर जो है थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पर बना करके रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो तीसरा इंसान बोल रहा है उसकी बात में कोई सच्चाई हो। 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपके अपनों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में भी कोई ना कोई बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। आपका इंटरनल यानी कि मेंटल स्ट्रगल भी जो है आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी आज आपको देखने को मिल सकती है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है मिल्की व्हाइट। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ राफियल एंड द एम्प्रेस। आज के जो दिन है वो पुराने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए बना है। जैसे आपके लिए आपके स्कूल फ्रेंड्स के साथ में आपकी वापस से बातचीत हो सकती है। कोई पुराना, बिल्कुल बहुत पुराना कोई फ्रेंड जो मे बी स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला गया था, वो लौट करके वापस आ गया है, उनके साथ वापस से आपकी बातचीत यहाँ हो सकती है। किसी पुराने लवर का लौट के आना भी आपकी लाइफ में यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और कुछ केसेस में बोल सकती हूँ आज आपको खुशखबरी मिल सकती है दैट यू हैव कंसीव्ड बेबी एंड आने वाली लाइफ के अंदर जो है एक नया नन्ना मेहमान आपकी ज़िंदगी में आज के दिन की वजह से जुड़ सकता है। कलर जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है ग्रीन कलर। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। सेजिटेरियस। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 5 ऑफ गैब्रियल एंड 3 ऑफ कप्स। अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, विथड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। यहाँ पे कोई ना, आज का जो दिन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, हालांकि शाम बहुत ही सुहानी दिखाई दे रही है आपके लिए। दिन के अंदर आपका स्ट्रगल बढ़ा हुआ है, काम को लेकर के प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई, काम के आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, बट शाम होते होते वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप अपने कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल आउट करने के लिए, टू हैव सम ड्रिंक्स टुगेदर, आप जो है पार्टी करने के लिए भी उनके साथ में बाहर जा सकते हो। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है रस्टी ऑरेंज। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ माइकल एंड द लवर्स। प्यार में जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में आज प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ में लड़ाई हो सकती है, ये लड़ाई आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में भी हो सकती है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और वो पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर आज आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, जो लोग सिंगल हैं वो, उन लोगों को आज कमिटमेंट ऑफर हो सकती है, कोई नया लव प्रपोजल आ सकता है, उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ माइकल ये भी इंडिकेट करता है कि कई बार हमारा अहम, हमारी ईगो इतनी बढ़ जाती है कि हम दूसरे की बात को सुनना तक नहीं चाहते। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इतनी गाइडेंस देना चाहती हूँ कि दूसरों की बातों को एटलीस्ट सुन लीजिए, है ना। जब आप सुन लेंगे तो आपको क्लैरिटी खुद ब खुद मिल जाएगी। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है इलेक्ट्रिक ब्लू। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। एक्वेरियस। कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ राफियल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अ न्यू इमोशनल सिचुएशन कैन अराइज, है ना, कोई नई इमोशनल सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। ये नई इमोशनल सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई यंग बच्चा, एक तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी उम्र है 30 साल, कोई 20 साल का बच्चा आपको प्रपोज करे, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन यू हैव टू डील विद। तो इमोशंस के मामले में आपसे कोई उम्र में बहुत छोटे आज आपको प्रपोज कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कि कोई पेमेंट अगर आज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो वो नहीं करनी है, आज का दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मुझे उसके अंदर आपके लिए यहाँ पर डिले दिखाई देता है। कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ राफियल एंड 9 ऑफ वंड्स। आज आप जो है काम के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो। पर्सनल रिश्तों में भी अभी तक अगर आपका कोई पुराना ब्रेकअप था और आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे तो फाइनली आज का दिन आपको ये लेट गो करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आप उस चीज़ को पीछे छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे एंड देर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, है ना। इस चीज़ का आप इत्मीनान रखें कि आपके लिए कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा ही सोच रखा है। तो ये चीज़ जो खत्म हो रही है ये आपकी बेहतरी के लिए खत्म हो रही है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है ग्रीन। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। तो ये था आपका आज का टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।